It's very important to believe in ourselves. No matter what, you can do anything in life. That is what I believe in, and that is what my strength is. आप सेकंड टाइम जा रहे हैं, तो कैसी प्रेपरेशन चल रही है और अभी क्या गोल लेके आप जा रहे हैं ओलंपिक्स में? बहुत एक्साइटेड हूँ, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बस मेरा एम ये है कि अच्छा खेलना है और मेरा 100% देना है. ऑब्वियसली बहुत साल से मैं ट्रेनिंग कर रही थी और हार्डवर्क भी कर रही थी, तो सिर्फ एक मोटो है कि मैं जाके अच्छा खेल के यू नो आई वांट टू गेट दैट मेडल बैक. तो उसके लिए कोशिश कर रही हूँ. आई होप इट हैपेंस. पहले से ही लोगों को इतनी ज्यादा उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं, तो क्या कुछ एक होता है ना, बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशंस भी फील होता है? तब 2016 में उतना नहीं था, तब सिंधु बट तो ठीक है जा रही है ओलंपिक्स के लिए करके सोच रहे थे सब लोग, बट अभी इस बार कभी भी सिंधु गए तो वापस मेडल लेके आना है करके बोल रहे थे. अगर हम बाहर लोग क्या सोच रहे करके अगर वो सोचते कि ऑब्वियसली एडेड प्रेशर और प्रेशर रहता है, तो इसीलिए जब हम मैच खेले जा रहे तो बस वी हैव टू बी फोकस्ड एंड जस्ट गिव आवर 100%. अगर आप थोड़ा सा रिकलेक्ट कर पाएंगे दैट मोमेंट क्या था, मतलब ये लगा कि अरे मुझे गोल्ड नहीं मिला, या ये लगा अरे वाह ओलंपिक मेडल मिल गया, मतलब व्हाट वाज द मतलब क्या था उस समय मन में? या अ बिट सैड थी क्योंकि गोल्ड नहीं मिला था, बट थोड़ी देर के बाद खुश थी क्योंकि आई हैव गॉट व्हाट आई हैव नॉट एक्सपेक्टेड. गोल्ड हार गया मतलब ऐसा नहीं सोची थी मैं, बट आई जस्ट थॉट एंड आई जस्ट टुक इट इन अ पॉजिटिव वे कि मैं ऐसे सोची कि सिल्वर जीती सिंधु, तो आई थिंक दैट इज डेफिनेटली मोटिवेशनल एंड दैट गेव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. मुझे याद है, वैसे बहुत छोटी सी डिटेल है, कि उसके बाद आप स्पेशली गई थी बाहर एंड यू ट्रीटेड योरसेल्फ, आपने बोला कि मैं आइसक्रीम खाऊंगी, बिकॉज आपने बहुत टाइम से अपने आप को उसे दूर रखा था. तो टेल मी, अगर इस बार व्हेनेवर इट हैपेंस कि आप मेडल जीतती हैं, कुछ आपने सोच के रखा है कि ओके मुझे ये करना है? डेफिनेटली फिर से कहती हूँ. उसमें कुछ ये नहीं है, पर फैमिली के साथ स्पेंड करती हूँ या शायद वेकेशन के लिए जाती हूँ, तो यस जरूर. नए कोच के साथ हैं और पहले आप गोपी सर के साथ थी, तो अभी वो कैसा चल रहा है, मतलब हाउ इज ही ब्रिंगिंग समथिंग, आपके पास कुछ नया आ रहा है आपकी गेम में? हर एक कोच के पास डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट गेम स्किल रहता है. पार्क के साथ बहुत प्रैक्टिस बहुत अच्छा चल रहा है. डेफिनेटली जब मैं उनके साथ ट्रेनिंग स्टार्ट किया था, थोड़े दिन लगा था वो कम्युनिकेट करने के लिए, या एज अ कोच ही नीड्स टू अंडरस्टैंड प्लेयर का क्या सोच रही है, क्या खेल रही है, क्या मिस्टेक्स है, टू लर्न इट इट टुक सम टाइम, बट अभी आई फील दैट एवरीथिंग इज फाइन एंड परफेक्ट. जो भी इंडियन प्लेयर्स जा रहे हैं ओलंपिक में खेलने के लिए, आप मिलेंगे भी उनसे वहां, तो एनी मतलब एक ओलंपिक मंत्र आप देना चाहेंगे? ओके बस प्रेशर उतना नहीं लेना है क्योंकि वो लोगों का फर्स्ट ओलंपिक्स है, एंड आई जस्ट वांट टू टेल देम दैट हमारे कंट्री के लिए, हमारे देश के लिए थोड़े मेडल्स वापस लेके आना है.